नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ सर्वेश कुमार। बरेली थाना जिला क्षेत्र के रहने वाले पति पत्नी में कई दिनों से लड़ाई चल रही थी। लड़ाई को चलते आज पति ने पंखे के टुकड़े से साड़ी और चादर की रस्सी बनाकर फांसी लगा ली। पत्नी जब सुबह चाय देने पहुंची तो पति का शव टुकड़े से लटका मिला। शव को देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के रिश्तेदार सोनू ने बताया, थाना किला के गड़ी चौकी क्षेत्र के रफियाबाद के रहने वाले 27 वर्षीय सूरज सागर पुत्र डालचंद ने चादर व साड़ी से रस्सी बनाकर पंखे के टुकड़े से फांसी लगा ली, इससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक का अपनी पत्नी रवीना से पिछले 3 दिनों से विवाद चल रहा था एवं मृतक प्राइवेट एम्बुलेंस का चालक है, इसकी एक पुत्री भी है। सुबह पत्नी जब सूरज को चाय देने गई तब उसने देखा कि सूरज पंखे के टुकड़े से लटका पड़ा और जिन्होंने थाना किला पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फांसी लगाई रात, फांसी लगाते समय इनका कोई पता भी नहीं, इनका किस समय किस बात पर हुई है। रात ये हमारे घर से ही आए हैं। आपस में हुई है मियाँ बीवी, अब इन्हें कभी पता ही नहीं चला हमारे किस कारण इन्होंने करा, ये गलत करा। ये बेटी है ना, इन्होंने कुछ देखा क्या करा इन्होंने? इन्होंने फांसी कहाँ से लगाई? चादर साड़ी लपेट के बांध के पंखे थी उसमें फांसी लगाई थी। अभी हम सुबह इनकी हमारी जो साहब वो हैं इनकी माँ हैं सुबह गई होंगी चाय देने को तो उन्हें पता चला। तो रात में लगाई किसी का? रात का कोई टाइम नहीं पता किसी को। क्या करते थे ये ड्राइवर हैं? एम्बुलेंस चलाते हैं। ऊपर चाल देने भेजे जी, लटके हुए थे? लटके हुए थे, खत्म हो चुके थे जी। क्या के ड्राइवर थे? एम्बुलेंस प्राइवेट। प्राइवेट देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।